लेकिन हम एक महीने में 2-2.5 हज़ार बेड बनाते हैं और पूरी फैक्ट्री में 20-25 बंदे लेबर के लगे होते हैं तब हमारे बेड भी बनते हैं। ये लोग 8 दिन में गाड़ी तैयार करके निकाल देते हैं और 2500 गाड़ी एक महीने निकलती है। इससे तो हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। जब तक ये पोर्टल सही नहीं होता, मैं चाहता हूँ कि फॉर्म 25 और DIC परमिशन पर माल आना चाहिए, इससे हमारी इंडस्ट्री बचेगी। ये जो लकड़ी की चोरी है कितनी बढ़ रही है? सर इससे तो बिल्कुल ओपन हो गई है, NOC निकल गई है। कोई भी पकड़ेगा इस गाड़ी को तो 2-4-5 दिन बाद छोड़ देंगे, इनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इनकी अपनी NOC है। मे भी डिपार्टमेंट के बिना नहीं जाती, डिपार्टमेंट के बिना गाड़ी नहीं जाती, किसके इन्वॉल्वमेंट के बिना गाड़ी नहीं जाती। और ये पकड़ी भी तभी जाती है जब किसी की रंजिश की वजह से पकड़ी जाती है, अदरवाइज गाड़ी पकड़ी भी नहीं जाती। तो क्या लगता है आपको कि जो पहले गाड़ियां पकड़ी गई वो मिली भगत के कारण छोड़ दी गई? हाँ बिल्कुल, नेचुरली बात है, आपको गाड़ी पकड़ी गई छोड़ गई, कोई ना कोई बीच में मेजरमेंट तो है ही है, बीच के इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम गुजारिश करते हैं कि ये जो सिस्टम है सिस्टम चेंज कीजिए, और जो पहला सिस्टम था फॉर्म 25 का अगेंस्ट स्टैंप लगा के माल जाएगा, विद इन स्टेट जाए माल, बाहर मत जाए, ये परमिशन खत्म कर दी जाए। क्या समझते हैं कि पोर्टल में जो खराबी आ रही है उसको चेंज करें? उसको चेंज करें, पोर्टल बंद कर दें मीन टाइम के लिए, जब तक ये आपका सिस्टम ठीक नहीं होता। जब से फिर पोर्टल चला लीजिए, जब आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा तब तक। समझते हैं कि पोर्टल से जो है ये स्मगलरों को मुनाफा हो रहा है, एडवांटेज हो रहा है ना, इनको पता ही किसी को पॉइंट ही नहीं है। हम आज आए हैं, रेंजर साहब बैठे हैं, दूसरे को पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। ये पुराने एक्ट देख रहे हैं, वो एक्ट खत्म हो चुके हैं, उन्हें एक साल की इजाजत दी थी गवर्नमेंट ने, MD सीकअप, सीकअप इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं इसके अंदर। अब तो इंडस्ट्री लेटर बीच में चाहिए, इंडस्ट्री लेटर देगा उसी थ्रू कागज बनते हैं, ऐसे नहीं हो सिस्टम है, गलत सिस्टम है। अच्छा, इस गाड़ी के पास DIC की परमिशन नहीं थी, तो जिस तरह हमने वहाँ पे पूछा, DIC परमिशन नहीं है तो मतलब ही नहीं है, पूरा टोटल 100% इलीगल है, ये कैसे कागज बने? पूछ दे पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट हु हैज मेड दिस पेपर। इंडस्ट्री सेंटर जी जी, तो वो उनकी परमिशन जरूरी होनी चाहिए। विदाउट परमिशन से जो माल जा रहा है तो कितना स्टेट को कितना नुकसान हो रहा है जी, ये सब कुछ जो वो भी हो रहा है, जो सबको मिली भगत से हो रहा है। कहते हैं जी गवर्नमेंट हमने ये कर दिया, फलाना कुछ कर दिया, ये कर दिया, मैं तो समझूंगा बिल्कुल इलीगल काम हो रहा है सारा, है जिस बिल्कुल मेरी भक्त हो रही है। इसके पहले भी एक गाड़ी पकड़ी गई है, वो हम देखते हैं कि कैसे वो कलेक्ट की गाड़ी, ये कहते हैं जो टोटली बैन है तो ये कैसे बाहर चलेगी कोई की ना, ये नहीं जानी चाहिए कि ना वो जो डिपार्टमेंट, इसमें हर डिपार्टमेंट भी फिर होगा कि ना। इलेक्शन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो कि हमारे MLA वगैरह जो भी हम इलेक्टेड चुनेंगे और इसका स्टेट का दर्जा। गाड़ी जो पकड़ी गई है ये मत समझिए कि ये ही स्मगल होती है और इसीलिए पकड़ी गई है, ये की गाड़ी जाती हैं, गाड़ियां पकड़ी भी जाती हैं, कुछ पकड़ी जाती हैं कुछ नहीं पकड़ी जाती, लेकिन गाड़ियां बहुत ज्यादा जाती हैं, इसीलिए ये पकड़ी गई है। इसका सबूत है कि स्मगलिंग होती है। अब ये ऑनलाइन NOC ये सब कुछ मिलके पोर्टल की खामियां हैं, जिस NOC के ऊपर गाड़ी आउट ऑफ द स्टेट एक्सपोर्ट हो रही है। इस खामी को जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। स्मगलर्स के हौसले बुलंद हैं, वो पहले भी थे, आज भी हैं, वो कल भी होंगे जी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हम लोग और डिपार्टमेंट के हौसले कितने बुलंद हैं। 100 में से अगर हमने 2 गाड़ी पकड़ ली है और कोई कहता है कि 100 गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं होती या स्मगल नहीं होती, यह गलत बात है। एक पॉइंट तो यह है कि काम होता है इल्लीगल तरीके से, अगर डिपार्टमेंट ने एक पकड़ी है तो वो बाकी भी उनको पकड़नी चाहिए, अगर वो एक के लिए मुस्तैदी दिखा सकते हैं तो बाकियों के लिए भी मुस्तैदी उनको दिखानी चाहिए। तो जकी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जब तक ये पोर्टल ठीक नहीं होता इसको NOC इमीडिएटली बंद की जाए, और इसके बाद फॉर्म नंबर 25 पे जैसे गाड़ियां पहले आ रही थी जम्मू कठुआ में वैसे ही आनी चाहिए। एक तरफ से हम कह रहे हैं बैन है, दूसरी तरफ से हम NOC दे रहे हैं, ये तो हास्यास्पद कोई एक बात है। इलेक्शन तो होने चाहिए, इलेक्शन जरूर होने चाहिए, इलेक्शन से ही हमारी हर चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन बढ़ती है, हमारी भी ग्रोथ बढ़ती है, डेवलपमेंट बढ़ती है, हमारी रीच बढ़ती है गवर्नमेंट में। अभी अफसरशाही है, जो अफसर ने कह दिया कह दिया, हम अपनी बात ही नहीं किसी के सामने रख सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिसल। आपको हम ये बता दें कि इस वक्त हम कठुआ के फॉरेस्ट ऑफिस में हैं, कल हमारी न्यूज का जो है वो असर हुआ है। हम आपको ये बता दें कि ये कल लकड़ी जो है ये पकड़ी गई थी, ये जो गाड़ी है ये कश्मीर से चल रही थी और इसको पंजाब में जाना था, और ये लकड़ी जो है ये बिल्कुल आउट ऑफ स्टेट नहीं जा सकती, और ये लकड़ी जो है वह आउट ऑफ स्टेट जा रही थी। कल इसको फॉरेस्ट
डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो पकड़ा गया है। आपको ये भी बता दें कि पिछले कई महीनों से जो है विल्लो क्लेफ्ट की जो है चोरी वो लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। हमारी खबर को देखते हुए आज आज हमारे साथ यहाँ पे कठुआ में स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर यूटी के मेंबर्स जो हैं यहाँ पे आए हैं, अलोंग विथ उनके प्रेसिडेंट हैं, सब यहाँ पे आए हैं। उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है, आज वो किस वजह से जो है कठुआ में आए हैं। जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं हमारे लिए एक्सप्रेस न्यूज में। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के थ्रू हमें जब पता चला, उसके बाद मैं जहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बिल्लो क्राफ्ट की तस्करी को रोकने की कोशिश की है। मेरा पीसीसी अब रोशन जग्गी से निवेदन है, जब तक एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होती इसका जो एनओसी है उस पर रोक लगानी चाहिए और जो पुराना हमारे फार्म पच में माल आता है उस पर आना चाहिए। इससे तो हमारी फैक्ट्री जो जम्मू कश्मीर की फैक्ट्री है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कठुआ हो, उसको सबको पता फर्क पड़ने वाला है। इससे तो हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। लेकिन हम एक महीने में 2,500 बेड बनाते हैं और पूरी फैक्ट्री में 20-25 बंदे लेबर के लगे होते हैं, तब हमारे बेड नहीं बनते हैं। ये लोग 8 दिन में गाड़ी तैयार करके निकाल देते हैं और 2500 गाड़ी एक महीने निकलती है। इससे तो हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हेड कर रहे हैं उनका निवेदन है, ये तस्करी रोकने के लिए एनओसी को से रोक लगनी चाहिए। जब तक ये पोर्टल सही नहीं होता, मैं चाहता हूँ कि फॉर्म 25 और डीएससी परमिशन पर माल आना चाहिए। इससे हमारी इंडस्ट्री बचेगी। जो हमारी जो बेरोजगार हमारे काम कर रहे हैं, जिनके बच्चे हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका भविष्य खतरे में ना आ जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो चैनल के थ्रू आपसे पता चला है, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का द्वारा धन्यवाद करता हूँ और इसे निवेदन करता हूँ जो एक्ट है एक्ट के अनुसार जो काम करे और बिल्लो क्राफ्ट टिम्बर एक्ट के अनुसार बिल्लो क्राफ्ट बाहर नहीं जा सकती है, ये सिर्फ फिनिश बाहर जा सकता है। हमारी एसोसिएशन वहाँ पे पूरी यहाँ पे आई हुई है। मैं सबसे धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत। आपने सुना इनका ये कहना है कि जो पोर्टल में एनओसी निकाली जाती है उसको फिलहाल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पोर्टल में कुछ खराबी के कारण जो है ये लोग वहां से एनओसी निकाल लेते हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि पहले की तरह 25 फॉर्म के ऊपर जो है वो माल निकलना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये जो लकड़ी की चोरी है कितनी बढ़ रही है? सर इससे तो बिल्कुल ओपन हो गई है। पहले चलो गाड़ियां जाती थी हफ्ते में 10-12, महीने में 10-12, अब तो डेली की जा रही गाड़ी, डेली की गाड़ी जा रही, क्योंकि अब तो रोक ही नहीं सकता कुछ भी इनको। इनकी एनओसी निकल गई है, कोई भी पकड़ेगा इस गाड़ी को तो 2-4-5 दिन बाद छोड़ देंगे, इनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इनकी अपनी एनओसी है। इसलिए हम रिक्वेस्ट है जब तक ये एनओसी ठीक नहीं हो जाती, इसमें कोई है गलती डिपार्टमेंट की, तो चलो उसको मॉडिफाई करके उतनी देर बैन कर दिया जाए इसको, निकाल के सर्कुलर, और हमें पुराने फार्म नंबर 25 पे ही ये माल दिया जाए। आप मुझे ये बताइए कि पहले भी गाड़ियां जो है 2-3 पकड़ी गई और वो छोड़ दी गई है, क्या लगता है आपको कि मिली भगत है सबकी? सर ये मे भी डिपार्टमेंट के बिना नहीं जाती, डिपार्टमेंट के बिना गाड़ी नहीं जाती, डिपार्टमेंट किसके इन्वॉल्वमेंट के बिना गाड़ी नहीं जाती। और ये पकड़ी भी तभी जाती है जब किसी की रंजिश की वजह से पकड़ी जाती है, अदरवाइज गाड़ी पकड़ी भी नहीं जा सकती। बोलिए जी, बोलिए। मेरा पूछना आपसे ये है, खुद ही जज खुद ही एनओसी देते हैं, खुद ही गाड़ी पकड़ते हैं, खुद ही छोड़ देते हैं, खुद ही छोड़ देते हैं, क्या समझते हैं आप ये किस तरह का गोलमाल है? ये बहुत बड़ा गोलमाल है जी, ये इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है माल लीगल पॉइंट्स क्या है। ये तो सीकाप एमडी ले रहे हैं, वो सीकाप गलत है, वो रूल्स था 2002 बना था, उसके अंदर भी सेम रिच बैड अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। वो रूल्स कभी खत्म हो गया, वो एमडी सीकाप ने दिया था, इजाजत दी थी सिर्फ 1 साल के लिए, उसके बाद ये पूरा खत्म है। इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिपार्टमेंट को वो कागज दिखाते हैं उससे गाड़ी छोड़ देते हैं, जैसी गलत बात है। तो क्या लगता है आपको कि जो पहले गाड़ियां पकड़ी गई वो मिली भगत के कारण छोड़ दी गई? हाँ बिल्कुल नेचुरली बात है, उसमें आपको एवरीबॉडी नोस गाड़ी पकड़ी है छोड़ गई, कोई ना कोई बीच में मेजरमेंट तो है ही है, बीच में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से ये स्मगलिंग बढ़ रही है तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी? जम्मू की इंडस्ट्री है, जहाँ कश्मीर वाले लोग बैट बनाते हैं, जम्मू वाले बनाते हैं, कश्मीर बनाते हैं, तो खत्म हो जाएगी इंडस्ट्री। हम कहाँ से बैट बनाएंगे? जो अच्छी लकड़ है सारी बाहर जा रही है, जो लकड़ ये आप सब देख रहे हैं ऐसी लकड़ किसी के पास है ही नहीं जम्मू किसी इंडस्ट्री के अंदर, ये सारी स्मगलिंग हो रही है। तो क्या समझते, क्या कहना चाहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ऊपर पीसीसीएफ और हाँ उनसे हम गुजारिश करते हैं कि ये जो सिस्टम है सिस्टम चेंज कीजिए, और जो पहला सिस्टम था फॉर्म 25 का अगेंस्ट स्टैंप लगा के माल जाएगा विद इन स्टेट जाए, माल बाहर मत जाए, परमिशन खत्म कर दी जाए।
क्या समझते हैं कि पोर्टल में जो खराबी आ रही है उसको चेंज करें? उसको चेंज करें, पोर्टल बंद कर दें मीन टाइम के लिए, जब तक ये आपका सिस्टम ठीक नहीं होता। जब से फिर पोर्टल चला लीजिए, जब आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा तब तक इसको बंद करके आप फॉरन पर अगेंस्ट माल दीजिए सबको स्टेट के अंदर। मतलब आप समझते हैं कि पोर्टल से जो है ये स्मगलरों को मुनाफा हो रहा है, एडवांटेज हो रहा है ना। इनको पता ही किसी को पॉइंट ही नहीं है, हम आज आए हैं रेंजर साहब बैठे हैं, दूसरे को पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है जी। ये पुराने एक्ट देख रहे हैं, वो एक्ट खत्म हो चुके हैं, उन्हें एक साल की इजाजत दी थी गवर्नमेंट ने, एमडी सीकब सीकब इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं इसके अंदर। अब तो इंडस्ट्री लेटर बीच में चाहिए, इंडस्ट्री लेटर देगा उसी थ्रू कागज बनते हैं, ऐसे नहीं हो सिस्टम है, गलत सिस्टम है। अच्छा, इस गाड़ी के पास डीआईसी की परमिशन नहीं थी तो जिस तरह हमने वहाँ पे पूछा, डीआईसी परमिशन नहीं है तो मतलब ही नहीं है, पूरा टोटल 100% इलीगल है, ये कैसे कागज बने? Who is the person responsible for that? Who has made this paper? Is he responsible? Who gave the paper? Somebody's involvement is there, ना? तो ये गाड़ी कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है? ये तो पता नहीं, कश्मीर से आई गाड़ी, पंजाब में जा रही थी। हाँ, कहाँ जा रही है? तो गाड़ी कागज पड़े हैं, पता होगा सीक्वेंस में क्या कहता, गाड़ी बाई जा रही है ना, तभी तो लखनऊ पकड़ी गई है। जिस तरह से स्मगलिंग जो है वो धड़ल्ले से चल रही है और स्मगलरों के हौसले जो है वो बुलंद हो गए हैं, तो क्या लगता है कि जम्मू की इंडस्ट्री को कितना फर्क? देखो, जम्मू की इंडस्ट्री तो टोटली फेल हो चुकी है जी, कि अगर इसी तरीके से जो हम काम कर रहे हैं इसमें क्या जो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी, गवर्नमेंट कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट हम उनको नौकरी देने जा रहे हैं, हम फलान कर रहे हैं, तो ये जितनी भी ये क्लेफ्ट जो है ना काफी देर से टोटली बैन है, तो जहाँ के बेरोजगार ज्यादा लोग हो जाएंगे और जो ये एक्ट बता रहे या कुछ बता रहे जो बिल्कुल टूटी गलत है, ठीक है। जो जो डीएससी इनका माँ बाप है, हम डीएससी से बात करते हैं, डीएससी पे इनका माँ बाप है, डीआईसी डीएससी इंडस्ट्री सेंटर जी जी, तो वो उनकी परमिशन जरूरी होनी चाहिए। विदाउट परमिशन से जो माल जा रहा है तो कितना स्टेट को कितना नुकसान हो रहा है जी, ये सब कुछ जो वो भी हो रहा है जो सबको मिली भगत से हो रहा है, अगर इसको ना कंट्रोल किया जाएगा तो वो हो जाएगा। ये थोड़ी बात होती है कि हमने एनओसी के लिए अप्लाई किया तो वो अपने आप ही जनरेट करके वो माल ले आते हैं, कम से कम एनओसी जब हुआ था इनको डीएससी को इन्फॉर्म होना चाहिए, डिपार्टमेंट को भी पता होना चाहिए। अगर हम जम्मू कश्मीर को आप बचाना चाहते हैं, नौजवानों को जो बेरोजगार हैं जिनको रोजी नहीं मिल रही, तो इनके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। ये कहते हैं जी गवर्नमेंट हमने ये कर दिया, फलाना कुछ कर दिया, ये कर दिया, मैं तो समझूंगा बिल्कुल इलीगल काम हो रहा है सारा, है जिस बिल्कुल मेरी वक्त हो रही है। इसके पहले भी एक गाड़ी पकड़ी गई है, वो हम देखते हैं कि कैसे वो कलेक्ट की गाड़ी, ये कहते हैं जो टोटली बैन है तो ये कैसे बाहर चलेगी कोई की ना, ये नहीं जानी चाहिए कि ना वो जो डिपार्टमेंट इसमें हर डिपार्टमेंट भी फिर होगा कि ना उन्हें कोई चीज तो बजा की। तो क्या समझते हैं आप जिस तरह से केंद्र सरकार जो है वो कह रही है जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो ठीक हो गया है, G20 चल रहा है, बाहर से लोग जो है निवेश करने के लिए जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, तो जम्मू के लोगों को किस तरह से मारा जा रहा है? जम्मू इसी तरीके से मारा जा रहा है, इसी तरीके से मारा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हमने भाई फलानी इंडस्ट्री लगा दी है, फलाना चीज लगा रही है, ये कुछ लगा रही है, अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप लेना चाहती है तो विदिन स्टेट रखो, सबसे पहले हमने स्टेट को देखना, वो सबसे पहले हम जे इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले इलेक्शन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि हमारे MLA वगैरह जो भी हम इलेक्टेड चुनेंगे और इसको स्टेट का दर्जा देना चाहिए। अब तो हालात ठीक है ना, अब तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रही गवर्नमेंट?
देखिए, गाड़ी जो पकड़ी गई है ये मत समझिए कि ये ही स्मगल होती है और इसीलिए पकड़ी गई है, एक ही गाड़ी जाती हैं, गाड़ियाँ पकड़ी भी जाती हैं, कुछ पकड़ी जाती हैं कुछ नहीं पकड़ी जाती, लेकिन गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जाती हैं, इसीलिए ये पकड़ी गई है। इसका सबूत है कि स्मगलिंग होती है और ये पकड़ी गई है क्योंकि एक्ट है हमारा विलो क्लेफ्ट एक्ट है, जिसके तहत पे स्मगल गाड़ी बाहर नहीं एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, विलो क्लेफ्ट। अब ये ऑनलाइन एनओसी ये सब कुछ मिलके पोर्टल की खामियां हैं, जिस एनओसी के ऊपर गाड़ी आउट ऑफ द स्टेट एक्सपोर्ट हो रही है। इस खामी को जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए, इस संज्ञान में डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द काम करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें होना बंद हो जाएं। आपकी बात से एग्री है कि पोर्टल में खामियां हैं उसके कारण जो है, पर इन स्मगलर्स के हौसले कितने बुलंद हैं, क्योंकि ये वैसे ही नहीं जा सकती पार, क्योंकि ये क्लिफ तो बाहर जा ही नहीं सकती क्योंकि ये अनफर्निश्ड है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, स्मगलर्स के हौसले बुलंद हैं, वो पहले भी थे, आज भी हैं, वो कल भी होंगे जी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हम लोग और डिपार्टमेंट के हौसले कितने बुलंद हैं। 100 में से अगर हमने 2 गाड़ी पकड़ ली है और कोई कहता है कि 100 गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं होती या स्मगल नहीं होती, ये गलत बात है। ये एक गाड़ी उसका उदाहरण है कि हर बहुत गाड़ियां जाती हैं, अब कौन जानता है कितनी गाड़ी जाती है, हमारे ट्रेड में हमको मालूम है कि बहुत गाड़ियां जाती हैं। तो क्या लगता है कि डिपार्टमेंट की मिलीभगत भी है कुछ? सर देखिए, डिपार्टमेंट की मिलीभगत तो अब ये डिपार्टमेंट जाने और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो जाने, ठीक है ना जी। मेन पॉइंट तो ये है कि काम होता है इलीगल तरीके से, अगर डिपार्टमेंट ने एक पकड़ी है तो वो बाकी भी उनको पकड़नी चाहिए, अगर वो एक के लिए मुस्तैदी दिखा सकते हैं तो बाकियों के लिए भी मुस्तैदी उनको दिखानी चाहिए, जो कि पूरे तरीके से लागू है। दूसरी तरफ से हम एनओसी दे रहे हैं, हम अपनी ही चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, हम क्या करेंगे इस चीज के लिए? अगर किसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो उसका हल भी जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा, एक्ट को। और एक तरफ से हम कह रहे हैं बैन है, दूसरी तरफ से हम एनओसी दे रहे हैं, ये तो हास्यास्पद कोई एक बात है, ठीक है ना। अब इसमें डिपार्टमेंट कितना, डिपार्टमेंट को ही ये सोचना है। अच्छा, जब ये एनओसी निकालते हैं उसमें तो लिखा जाता होगा कि फर्निश्ड है अनफर्निश्ड है, किस तरह का मटेरियल है, ये तो लिखा जाता होगा तभी एनओसी निकलती होगी। बिल्कुल, एनओसी निकलती है इस बेस पे कि विलो क्लेफ्ट है, ये विद इन द स्टेट एग्जेम्पशन है, विद इन द स्टेट मूव हो सकती है, लेकिन नेशनल पोर्टल पे एनओसी निकलती है नेशनल परमिट के लिए, तो नेशनल परमिट के लिए ये बाहर जा रही है, जबकि एक्ट कहता है कि बाहर नहीं जानी चाहिए। या तो ये बता दें कि एक्ट नहीं है, विलो क्लेफ्ट एक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। 370 हटने के बाद कुछ नोटिफिकेशंस आई थी, उन नोटिफिकेशंस में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि फलां फलां प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हो सकते हैं, फलां फलां प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, और विलो क्लेफ्ट का नाम उसमें नहीं था। विलो क्लेफ्ट जो है वो पूरी तरह से बैन है। समझते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए जिससे आपको भी कुछ बेनिफिट हो जाए। इलेक्शन तो होने चाहिए, इलेक्शन जरूर होने चाहिए, इलेक्शन से ही हमारी हर चीज की इम्प्लीमेंटेशन बढ़ती है, हमारी भी ग्रोथ बढ़ती है, डेवलपमेंट बढ़ती है, हमारी रीच बढ़ती है गवर्नमेंट में। अभी अफसरशाही है, जो अफसर ने कह दिया कह दिया, हम अपनी बात ही नहीं किसी के सामने रख सकते। पॉलिसी मेकर्स जब तक नहीं आएंगे तब तक पब्लिक का कोई फायदा नहीं, और पब्लिक के लिए पॉलिसी मेकर्स हैं इलेक्शन के बाद जो MLAs हैं MPs हैं यही पॉलिसी मेकर्स हैं। इतना ये एसोसिएशन का कहना था कि ये सब जो काम है ये इलीगल तौर पे जो है वो किया जा रहा है, इनकी मिली भगत से जो है ये जितनी भी लकड़ी है लखनपुर से पार जा रही है, अगर ये पकड़ भी रहे हैं और इनका ये कहना है कि लकड़ी एक गाड़ी पकड़ते हैं और कई गाड़ियां जो है वो पार चले जाती हैं, तो इनकी एसोसिएशन का यही कहना है कि एक तो इनकी एनओसी जो है वो बंद हो जानी चाहिए और फॉर्म 25 के तहत ही जो है वो फिलहाल काम करना चाहिए, अगर पोर्टल में कोई खराबी है तो उस पोर्टल को जो है वो ठीक करना चाहिए जिससे कि स्मगलरों को बढ़ावा ना मिल सके। और इनका ये कहना है कि जम्मू की इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो रही है इन स्मगलरों के कारण, और उनके ऊपर भी जो जम्मू की इंडस्ट्री को भी जो है बढ़ावा देना चाहिए, इन लोगों पे कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द की जाए। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितनी जल्दी हरकत में आता है और इन स्मगलरों के ऊपर नकेल कसता है। कठुआ से कैमरामैन राजकुमार के साथ अरुण त्रिशंकर।